मोटरसाइकिल खरीदना ऐसा तो कोई जुर्म नहीं है। इंसान लालमी में भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मोटरसाइकिल वारदातों में इस्तेमाल होती रही है, पुलिस कब से तलाश पे थी इसकी? अब रोने से कुछ नहीं होगा, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी परेशान होगी और दूसरों को भी करोगी। आप किसका नंबर बार बार मिलाए जा रहे हैं, उसकी जमानत क्यों नहीं कोशिश करते? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इतनी देर से बैठा यहां मजाक कर रहा हूँ? अरे मैं फुरकान साहब का नंबर मिला रहा था, उनकी बहुत जान पहचान है। उनके पास तो मोबाइल भी है, उसी का नंबर मिला लें। नंबर है, उनका मोबाइल बंद है, वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आप फुरकान साहब के फोन के ऊपर कोई मैसेज ना रिकॉर्ड करा दीजिएगा, वो सारी दुनिया को बता देंगे। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, पुलिस के ख्याल से ये फॉल आता है, क्या पता ये दिन देखना होगा। ओहो अम्मी, आपने एक अलग टेंशन दी है। इस वक्त मसला महमूद भाई को छुड़ाने का है, किसी को पता चलता है तो चले। कौन आ गया इस वक्त देखो अली? आओ बेटा, आओ। अकेले आए हो? क्या बात है, आप लोग परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गलत वक्त पे तो नहीं आ गया ना? नहीं नहीं जेबी, बेटा जाओ आमिर को बिठाओ ड्राइंग रूम में, हम लोग अभी आते हैं। आप रो रही थी, क्या बात है मुझे बताएं, मैं भी हेल्प कर सकूं। तो उस समय महमूद भाई ने एक मोटरसाइकिल ली थी, चोरी की निकली, अब उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था। अक्सर बेगुनाह लोग आ जाते हैं लपेट में, परेशान होने की बात नहीं है, मेरे जानने वाले में बात करता हूँ। अगर ऐसा अगर आप मेरे साथ चले वहीं चल के बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा से बेइज्जती हो रही है, कहीं भी शक्ल दिखाने का काबिल नहीं था। कोई बात नहीं महमूद, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, वरना लोग मट्टी में हाथ डालते हैं तो सोना बन जाते, और यहाँ नाकामी पर नाकामी। जाने देना महमूद, वो छोड़े इस बात को। मेरे लिए इतनी मामूली बात नहीं है, इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। अभी कहाँ जा रहे हैं, आज तो छुट्टी का दिन है। घर में बैठ के क्या करूंगा, और वो तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे पुरसा देने के लिए। बहुत बड़ा काम किया है ना उन्होंने, मेरी जमानत दी है, मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने। एहसान की क्या बात है, वो अपने ही काम आते हैं ऐसे वक्तों में, और फिर आपकी कोई गलती नहीं है महमूद। गलती हो या ना हो, हवालात की हवा तो खा आया ना मैं, केस तो दर्ज हो गया ना, अब अदालतों के चक्कर लगेंगे। और देखो जेवी बीबी, आगे आगे क्या होता है। चाय? और बेकार में क्यों चिल्लाया जा रहा है, अकलमंदी भी कुछ चीज होती है। मैं भी क्या तेरे साथ हवाला तो मंदों को बैठ रहा था। 2% की इज्जत कर दी तुमने ससुराल वालों के सामने, क्या सोचेंगे वो, मेरा कोई दोस्त नहीं था, जमानत में तो मदद करते थे। ओ भाई जब काम हो रहा था तो मुझे क्या जरूरत थी अपनी टांग बीच में आने की। और जिंदगी में छोटे मोटे धोखे होते रहते हैं, आगे की सोच, आगे की क्या सोचूं, आगे की क्या सोचूं, आगे की बीवी का जेवर भी गया और मोटरसाइकिल भी, ससुराल वालों के सामने इज्जत भी। क्या ससुराल ससुराल की रट लगा रखी है, ऐसा लगता है किसी शाही खानदान में शादी हुई थी। दुनिया के सबसे नाकाम तरीन इंसान हूं मैं। नाकाम नहीं है तुम,
फैसले गलत करता है। कौन सा फैसला? शादी का फैसला, और उसके बाद ये वाहियात नौकरी का फैसला। नौकरी ना करूं तो क्या करूं? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और खुदा के वास्ते मुझे परेशान मत करो। इससे अच्छा था कि मैं तुमसे मिलता ही नहीं। देख देख देख, ये जो बात करने का लहजा है ना, इसे बदल। मैंने कोई जानबूझ के नहीं दिलाई थी चोरी की मोटरसाइकिल, मुझे किसी ने दी थी, मैंने आगे बढ़ा दी। और इतनी सस्ती चीज में कुछ ना कुछ खराबी तो होगी। क्या करूं अब मैं? घर जा, सर पे बर्फ रख, जब दिमाग ठंडा हो जाए तो आ जाना। मुझे महमूद की ज़हनी हालत का अंदाजा है, मुझे बहुत नरमी से काम लेना होगा। लेकिन ज़ेबी, तुम तो कह रही थी कि महमूद का सलूक तुम्हारे साथ अभी तक वैसा ही है। हाँ, लेकिन इन हालात में गुस्सा दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं मुझे इतनी थकन क्यों रहने लगी है। ज़ेबी, तुम सिद्धवत आपा को दिखाओ, तुम्हें तो मुफ्त का डॉक्टर मिला हुआ है। हाँ, वो कह रही थी कि सभा है तो मेरे पास जरूर लाना। ना बाबा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अकेली डांट खा लूंगी, वो एक अलग बात है। डांटेंगी क्यों? ऐसे ही नाराज हो गई है ना। क्यों? ओफ भाई, वो एक ऐसी बात पे नाराज हो गई है जो मैंने की ही नहीं। तो तुम उनकी गलतफहमी दूर कर दो। हाँ, वैसे मुझे अब लगने लगा है कि ये गलतफहमी तुम्हारे जरिए ही दूर होगी, लेकिन वक्त आने पर। ऐसे ज़ेबी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारी दोस्तियां होने लगी हैं सितवत आपा से, सूफिया से। जब मैं अकेली थी तो तुमने मेरा बहुत साथ दिया था, वरना इस घर में रहना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। इसका मतलब है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। पागल हो गई हो तुम? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी वजह से ही तो इतना सहारा रहता है ना, और किसी से तो मैं इतनी बात कभी भी ना करूं। ज़ेबी, तुम सितवत आपा से दोस्ती बढ़ाओ, बहुत अच्छी इंसान है, मगर उनके सामने मेरा जिक्र बहुत ज्यादा मत किया करो। मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती, जब इतनी ज्यादा मोहब्बत है तो फिर झगड़ा किस बात का है? बताऊंगी बताऊंगी, वो सब कुछ भी बताऊंगी, जरा सब्र करो। आप, अगर आप दरवाजा थोड़ा सा और खोल लें तो मैं घर में आ जाऊं, फिर अच्छी तरह देख लीजिए। ओह, आई एम सॉरी, प्लीज आइए ना। आप बैठिए, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। वैसे कहाँ है वो? किचन में खाना बना रही हूँ। तो ऐसा करें, वो खाना बनाने दें और आप यहाँ बैठे, बल्कि तुम यहाँ बैठो। उन्हें बता तो दूँ? भाई, ऐसी क्या बेचैनी है, उनको खुद पता चल जाएगा। बैठो भाई।